आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में पूरा अपडेट देंगे, जिसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए हैं। रशिया ने पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है और कहा है कि अब से वो इन दोनों देशों की रक्षा करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन कैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों से दुश्मनी लेकर अखंड रशिया बनाने के अपने मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं। आपने अखंड भारत के बारे में तो सुना होगा, बहुत सारे लोग यहाँ अखंड भारत की बात करते हैं, हम तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, कोई काम हमारे देश में हुआ ही नहीं अखंड भारत को लेकर। लेकिन व्लादिमीर पुतिन अखंड रशिया के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कल जब इस मामले में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने इंटेलिजेंस चीफ से ये पूछा कि वो पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने पर क्या सोचते हैं, तो रशिया के इंटेलिजेंस चीफ कुछ स्पष्ट रूप से कह नहीं पाए, वो बीच बीच में अटकने लगे, जिस पर पुतिन को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने ये कह दिया कि क्या उनके पास कोई सीधा जवाब नहीं है। दरअसल रशिया के इंटेलिजेंस चीफ पुतिन को यह कहना चाहते थे कि यूक्रेन को शांति स्थापित करने के लिए एक और मौका देना चाहिए, लेकिन वो ये बात कहते हुए बहुत डर रहे थे और इसी वजह से पुतिन को गुस्सा आ गया। Предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет. Да? Поддерживаю предложение о вхождении... Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. तो पुतिन सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो कि उनके कानों को अच्छा लगता है। यहाँ आपने देख लिया और आपने ये भी देख लिया कि पुतिन इस पूरे मामले को लेकर कितने पैशनेट हैं और वो हर कीमत पर इसमें रशिया के लिए सोच रहे हैं कि कैसे वो यूक्रेन को तोड़ें, और उन्होंने तोड़ भी दिया। रशिया ने यूक्रेन के जिन 2 क्षेत्रों को तोड़कर उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, उन्हें आप इस नक्शे पर आज देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ये दोनों क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन में रशिया की सीमा से लगते हुए क्षेत्र हैं और इनके नाम हैं दोनियस्क और लुहांस्क। ये 2 क्षेत्र हैं और इनके नाम अभी आपके सामने हैं। इन 2 क्षेत्रों को अब रशिया ने यूक्रेन से तोड़ दिया है और इन्हें एक अलग देश बना दिया है और कहा है कि अब से इन दोनों देशों की रक्षा पुतिन करेंगे, यानी रशिया करेगा। फिलहाल रशिया ने इन दोनों जगहों पर अपनी सेना तैनात कर दी है और यहां लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, यानी यहां के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो बेहद खुश हैं इस बात से। वर्ष 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्राइमिया को अपने नियंत्रण में लिया था, उस समय पूर्वी यूक्रेन के दोनियस्क और लुहांस्क जैसे क्षेत्रों में भी विद्रोहियों द्वारा सरकारी इमारतों और दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया था और यहां रशिया समर्थित संगठनों का शासन आ गया था, यानी अभी भी जो लोग यहां शासन कर रहे हैं वो सारे रशिया के समर्थन वाले ही थे। लेकिन तब रशिया ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सिर्फ क्राइमिया का ही अपने देश में विलय किया और इन दोनों क्षेत्रों में विद्रोही गुटों को मान्यता नहीं दी, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये जानते थे कि अगर यूक्रेन भविष्य में फिर से नेटो देशों के साथ जाने के लिए कोशिश करता है तो वो उसके इन दोनों क्षेत्रों को तब आजाद देश घोषित करके एक बहुत बड़ा दांव खेल सकते हैं, जो कि उन्होंने अब जाकर किया है। उन्होंने इसके लिए इंतजार किया और सही समय देखकर यूक्रेन पर इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी। हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि रशिया ने कैसे रातों रात यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, तो इस सवाल का जवाब यह है कि इन दोनों क्षेत्रों में लगभग 61,00,000 लोग रहते हैं, जिनमें 80% लोग रशियन भाषा बोलने वाले लोग हैं, यानी यह क्षेत्र यूक्रेन का हिस्सा तो था लेकिन यहां रहने वाले लोग रशिया के ही समर्थक हैं, वो रशिया की ही संस्कृति को मानते हैं, रशिया की भाषा को बोलते हैं, खाना भी रशियन ही खाते हैं
और इसी वजह से रशिया ने इतनी आसानी से यूक्रेन को अस्थिर कर दिया और इन इलाकों के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने रशिया का साथ दिया। हालांकि रशिया का कहना है कि उसने यूक्रेन के इन इलाकों में अपनी सेना नहीं उतारी है बल्कि पीस कीपिंग फोर्स भेजी है और उसका मकसद यूक्रेन पर नियंत्रण करना बिल्कुल नहीं है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रशिया के इस कदम को युद्ध छेड़ने के बराबर बताया है। Новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням Російська Федерація створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна, при цьому порушуючи всі можливі дво- і багатосторонні міжнародні зобов'язання. आजकल की डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दो शब्द ऐसे हैं जो कि बहुत ही हाईली ओवररेटेड शब्द हैं। एक तो है शांति और दूसरा है शांति सेना यानी पीस कीपिंग फोर्स। आजकल बड़े बड़े देश शांति के नाम पर ही अशांति फैलाते हैं, शांति स्थापित करने के नाम पर ही देशों पर और इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं और पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना के नाम पर अशांति फैलाने के लिए अपनी सेना को वहां पर तैनात कर देते हैं, लेकिन नाम इसे दिया जाता है पीस कीपिंग फोर्स। इसलिए ये जो शब्द है पीस, ये जो शब्द है शांति, बड़े बड़े और जो मजबूत देश हैं वो इस शब्द का दुरुपयोग करते हैं और ये मजबूत देशों का शब्द बन गया है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े देश जो भी करते हैं शांति के नाम पर पूरी दुनिया इनका समर्थन करने लगती है। इस समय स्थिति इतनी नाजुक है कि नेटो देशों और रशिया की सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और यह पूरा संघर्ष तब शुरू हुआ था जब यूक्रेन ने नेटो देशों का हिस्सा बनने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए थे। यानी आप अगर मुद्दे को समझें तो वो ये है कि यूक्रेन नेटो देशों का हिस्सा बनना चाहता है और रशिया ऐसा नहीं चाहता। रशिया को यह मंजूर नहीं है कि उसका पड़ोसी देश जिसके साथ उसकी सीमाएं लगती हैं वो नेटो देशों में शामिल हो जाए, जो रशिया को अपना दुश्मन मानता है, जो नेटो है वो रशिया को अपना दुश्मन मानता है। और अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा तो नेटो देश जो हैं वो रशिया की सीमा तक आ जाएंगे, इसलिए रशिया नहीं चाहता। इस संघर्ष में एक तरफ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और यूरोप के दूसरे देश हैं और दूसरी तरफ रशिया के साथ चीन जैसे देश खड़े हुए हैं और भारत जैसे जो देश हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष बने हुए हैं। भारत ना इधर की बात कर रहा है ना उधर की बात कर रहा है, भारत पूरी तरह से निष्पक्ष है। इसलिए अगर युद्ध हुआ तो इसमें एक से ज़्यादा देश हिस्सा लेंगे, आप इसे एक मिनी वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। इस खबर पर इस समय का लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यह संघर्ष और भी बढ़ जाएगा और युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन फिलहाल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्हें युद्ध लड़ने में दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना चाहते हैं और सोचते हैं कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने से ही काम चल जाएगा। आज ही अमेरिका और नेटो देशों ने पोलैंड में अपने 5,000 सैनिकों की तैनाती की है। इसके अलावा यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। कहा गया है कि अब आप यहां से निकल जाइए। और अब से कुछ देर में एयर इंडिया का एक विमान 256 भारतीय छात्रों को लेकर भारत आ रहा है। आज इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की भी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें अमेरिका द्वारा रशिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। अमेरिका ने कहा है कि रशिया यूक्रेन पर हमला करके उसे अपने नियंत्रण में ले सकता है, जबकि ब्रिटेन और जर्मनी समेत दूसरे देशों ने भी रशिया की निंदा की और उस पर यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता पर हमला करने का आरोप लगाया। हालांकि हमें लगता है कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र का आपातकालीन बैठक करना केवल एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो है लेकिन वैश्विक संकट के मामलों में उसका प्रदर्शन औसत से भी कम रहा है और आज यूनाइटेड नेशंस दुनिया के लिए एक बड़ा फैशनेबल मंच बनकर रह गया है, जहां बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लंबे लंबे शांति के भाषण दिए जाते हैं, लेकिन इस मंच पर कोई भी बहस व्यावहारिक नहीं बन पाती और उसका कोई समाधान नहीं निकलता। इसे आप कुछ उदाहरणों के जरिए आज समझ सकते हैं कि कैसे यूएन एक ऐसी बॉडी है जिसके पास खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग हैं।
वर्ष 1950 के कोरियन वॉर यानी कोरिया युद्ध में जब सोवियत संघ और चीन ने उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों का साथ दिया था तो अमेरिका ने इसके खिलाफ दक्षिण कोरिया के समर्थन का ऐलान किया था। ये युद्ध लगभग 3 वर्षों तक चला और इसमें अमेरिकी सेना के लगभग 36,000 सैनिक मारे गए थे। लेकिन इस दौरान संयुक्त राष्ट्र 3 साल तक सिर्फ बैठकें करता रहा और कोई समाधान नहीं निकला। ये तो पुरानी बात हो गई। अगर आप हाल की नई बातें देखें, वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक पर यह कहते हुए हमला कर दिया था कि इराक में बड़े पैमाने पर केमिकल वेपन्स छिपा कर रखे हुए हैं। सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, फांसी पर लटका दिया। इस संघर्ष की वजह से इराक में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए और इराक में अमेरिका को कभी भी कोई केमिकल वेपन्स मिले भी नहीं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस मामले में कभी कुछ नहीं कर पाया, चुप बैठा रहा। पिछले साल जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते थे और संयुक्त राष्ट्र से मदद मांग रहे थे, तब भी संयुक्त राष्ट्र इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब ये सब हो रहा था संयुक्त राष्ट्र कहां बैठा था, क्या किया संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए? सवाल है ये और जवाब है कुछ नहीं किया, जीरो। इसी तरह चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम को स्वतंत्र रूप से अपने देश में कभी जांच करने नहीं दी उसने और इस वायरस से संबंधित कोई भी जानकारी दुनिया के साथ साझा नहीं की। संयुक्त राष्ट्र चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए वो यूक्रेन के मामले में भी क्या कर लेगा? संयुक्त राष्ट्र कुछ भी कर पाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। और यह बहुत बड़ी विडंबना है कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध के हालात हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकवादी सरकार द्वारा लोगों पर खुलेआम अत्याचार किए जा रहे हैं, सीरिया में गृह युद्ध की स्थिति है, म्यांमार में सैन्य शासन की वजह से सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, यमन में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उत्तर कोरिया प्रतिबंधों के बावजूद खतरनाक मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है, तब संयुक्त राष्ट्र इन बातों पर कुछ नहीं कर पा रहा, चुपचाप बैठा है। आप सोचिए इनमें से किस देश में संयुक्त राष्ट्र ने कुछ भी किया? संयुक्त राष्ट्र को ऐसे में भी इस बात की चिंता है कि भारत में राणा अयूब नाम की एक पत्रकार के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां जांच क्यों कर रही हैं। और आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र ने कल राणा अयूब को लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि भारत सरकार को उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो सोचिए दुनिया में जब इतना सब कुछ हो रहा है तब संयुक्त राष्ट्र हमारे यहाँ इस राणा अयूब की चिंता में डूबा जा रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि संयुक्त राष्ट्र क्या चीज है। यहां आपको अमेरिका और पश्चिमी देशों का भी असली चरित्र समझना चाहिए। वैसे तो ये देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, मदद की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन इन देशों को यूक्रेन के हितों से ज्यादा उस गैस सप्लाई की चिंता है जिसके लिए वो रशिया पर निर्भर है। यूरोपीय देश अपनी जरूरत की 1/3 गैस के लिए रशिया पर निर्भर है। अब अगर रशिया ने यह गैस सप्लाई रोक दी तो इन देशों में बिजली का भयानक संकट खड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि संकट इन देशों की सरकारों को भी बर्खास्त करवा दे। यूरोप के देशों में मौसम अधिकतर बहुत ठंडा होता है और यहाँ पिछले कुछ दिनों में बिजली के दाम 600% तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर रशिया ने गैस की सप्लाई बंद कर दी इन देशों को तो ये देश बर्बाद हो जाएंगे और इसीलिए आज संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। और इन ये जो देश हैं बयानबाजी तो कर सकते हैं, रेजोल्यूशन भी ला सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पूरे संघर्ष से हमें दो बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख ये है कि अगर कोई देश कमज़ोर हो और अपनी सुरक्षा करने के काबिल ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कोई महत्व नहीं रहता। आप कितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ साइन कर लीजिए, कितनी भी ट्रीटीज साइन कर लीजिए, आपको बचाने कोई नहीं आता। देखिए कैसे। वर्ष 1994 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच यूक्रेन को लेकर हंगरी के बुडापेस्ट में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि को बुडापेस्ट मेमोरेंडम भी कहा जाता है। यह संधि कहती है कि अगर यूक्रेन पर कोई देश, कोई बाहरी देश हमला करता है तो ये सभी देश उसकी रक्षा करेंगे। तो सोचिए इस संधि में कहा गया है कि अगर बाहरी हमला होता है तो रशिया यूक्रेन की रशिया रक्षा करेगा यूक्रेन की और अमेरिका भी यूक्रेन की रक्षा करेगा। लेकिन आज इन दोनों देशों में से एक देश खुद ही यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में है, वो खुद यूक्रेन के 3 टुकड़े कर देता है और जो दूसरा देश है अमेरिका वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता। यानी इन दोनों देशों ने जिन्होंने ये संधि साइन की यूक्रेन को बचाने की, यूक्रेन की रक्षा करने की, उन दोनों देशों ने यूक्रेन को मरने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी सीख इससे ये मिलती है कि पश्चिमी देश
लोकतंत्र के चैंपियन तो बनते हैं, लेकिन वो ना तो अफगानिस्तान को बचा पाते हैं और ना ही यूक्रेन को बचा पाते हैं। ये जो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, मानव अधिकारों की बातों को लेकर, ये सिर्फ सेमिनार्स के लिए है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए है, संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर भाषण देने के लिए है, बाकी ये देश किसी को बचाने के लिए कुछ नहीं करते। आपने अफगानिस्तान में देख लिया, ये सारे देश चुपचाप देखते रह गए और अफगानिस्तान पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। इसलिए असल में इन संधियों का कोई मतलब नहीं है। और बड़ी बात यह है कि अगर आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो देश आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपनी रक्षा करने के खुद काबिल हो। रशिया के इस कदम के बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि व्लादिमीर पुतिन यूनाइटेड रशिया यानी अखंड रशिया के अपने मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने कहा था कि 31 साल पहले हुआ सोवियत संघ का विघटन 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी था, जिसमें रशियन मूल के लोगों को मजबूरन दूसरे देशों में बसना पड़ा और उस समय सोवियत रूस उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब पुतिन अखंड रशिया स्थापित करना चाहते हैं और इस दिशा में रशिया की सीमाओं का काफी विस्तार वो कर चुके हैं। आज हमारे देश में जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, उन्हें आज अखंड रशिया के इस कॉन्सेप्ट पर नजर डालनी चाहिए। अब आप इस नक्शे पर देखिए कि कैसे वर्ष 2000 के बाद रशिया दूसरे देशों के क्षेत्रों को या तो अपने देश में मिला चुका है या उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर उनकी शासन व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर चुका है। इस तरह से रशिया अपना विस्तार कर रहा है। 2008 में उसने जॉर्जिया पर हमला किया था और वहां के दो प्रांत अबकाजिया और साउथ ओसेटिया को उसने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। अब इन दोनों देशों को रशिया ही कंट्रोल करता है। इसी तरह 2014 में क्राइमिया का रशिया में विलय हो गया था, जिससे रशिया की सीमा का विस्तार ब्लैक सी तक हो गया, क्योंकि उसने तब क्राइमिया को भी अपनी सीमाओं में मिला लिया। और अब 2022 में पुतिन ने दोनियस्क और लुहांस्क को भी स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता देकर यहां भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। तो आप देखिए रशिया का विस्तार पुतिन कैसे कर रहे हैं। और बेलारूस के राष्ट्रपति तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सही समय आने पर वो बेलारूस का रशिया में विलय कर देंगे, यानी अब बेलारूस भी आगे चलकर रशिया में शामिल हो जाएगा। यानी रशिया चारों दिशाओं में अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है और पुतिन अखंड रशिया के टेम्पलेट पर इस समय काम कर रहे हैं। आज भारत भी रशिया से ये सीख सकता है कि कैसे अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा की जाती है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो कदम उठाए जिनकी दुनिया के ज्यादातर देश आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। इसके बावजूद रशिया अपनी नीतियों और अपने हितों को लेकर तटस्थ बना हुआ है और उसने साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमा सुरक्षा के लिए किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा, चाहे देश कुछ भी कहे। आज आपको सोवियत संघ के रशिया में और आज के रशिया में भी अंतर समझना चाहिए, पुराना रशिया और आज का रशिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से पहले यूक्रेन में जनमत संग्रह हुआ था, तब उस समय भी यूक्रेन उस रशिया के बाद सबसे बड़ा देश था इस संघ का, सोवियत संघ का। और इस जनमत संग्रह में यूक्रेन के लोगों से पूछा गया था कि वो सोवियत संघ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या अलग देश बनना चाहते हैं। तब 92% लोगों ने यूक्रेन को अलग देश बनाने के लिए अपना मत दिया था और यह जनमत संग्रह उस समय के सोवियत नेता मिखाइल गॉर्बाचोफ ने करवाया था। और जब मिखाइल गॉर्बाचोफ को पता चला कि यूक्रेन के लोग अलग देश चाहते हैं, उन्होंने तुरंत यूक्रेन को अलग देश बनाने की अनुमति दे दी। इसमें बिल्कुल रोड़ा नहीं अटकाया और इसी तरह से फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ। आज के रशिया में पुतिन यूक्रेन को चुनौती दे रहे हैं, वही रशिया आज यूक्रेन को चुनौती दे रहा है और बिना डरे अपनी नीतियों पर पुतिन अमल भी कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।